हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कॉलम। कॉलम की छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी सी बड़ी चीज देखेंगे। कॉलम में क्या क्या चीजें हमको पता होना चाहिए अबाउट कॉलम। ये सीरीज एक्चुअली मैंने जो स्टार्ट किया है, ये सीरीज में हम लोग कॉलम, बीम, स्लैब, फुटिंग के बारे में डीप में जानेंगे। कितने टाइप्स होते हैं, उन टाइप्स में क्या क्या लाइक एक्स्ट्रा बार क्या होता है, बेंटअप बार क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। बट आज का जो स्पेशली वीडियो है, दैट वीडियो इज फॉर कॉलम। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें कॉलम में हमको जाननी चाहिए। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉलम होता है, कॉलम के हमें टाइप्स जानने चाहिए। अगर कॉलम्स के हमने टाइप्स नहीं जाने हैं, तो कॉलम के बारे में हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते अच्छे से। तो पहला जो टाइप होता है कॉलम का, है बेस्ड ऑन शेप होता है। उसके शेप जैसे जैसे होते हैं, आपने देखे होंगे रेक्टेंगुलर टाइप, सर्कुलर टाइप, हेक्सागोनल टाइप, आर्च टाइप, वाई टाइप, वाई टाइप विद आर्च, टी टाइप, एल टाइप एंड आर्च टाइप। ये सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनको हम लोग जगह जगह पे यूज करते हैं। अगर मैं बात करूँ इसमें से फर्स्ट रेक्टेंगुलर कॉलम की, तो रेक्टेंगुलर कॉलम हम लोग जनरली शेप्स रेक्टेंगुलर शेप देते हैं, और सर्कुलर भी कुछ जगहों पे देते हैं, कुछ जगहों पे हेक्सागोनल देते हैं आर्किटेक्चर पर्पस से। एल शेप देते हैं, एल शेप तब देते हैं जब अब किसी कॉलम के ऊपर कोई लोड आ रहा है, वो कॉलम डिफ्लेक्स हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको क्लोज करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हम लोग एल टाइप कॉलम दे देते हैं। टी टाइप कॉलम जहां पे जंक्शन होता है, बीम्स इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है और इधर से भी आ रही है, इस केस में हम लोग जंक्शन पे क्या करते हैं, टी टाइप कॉलम प्रोवाइड करते हैं। वाई टाइप कॉलम आपने देखा होगा ब्रिजेस में, जो ब्रिज वाटर स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं, वाटर के अंदर होते हैं, एक्चुअली उसका रीजन ये होता है वाई टाइप कॉलम में, उसके बीच उसमें जो फुटिंग होती है, वो दैट फुटिंग इज वेल फाउंडेशन होता है। ठीक है, वेल फाउंडेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशियन फाउंडेशन भी बोलते हैं। क्यों रखते हैं वेल फाउंडेशन, क्यों करते हैं वाटर स्ट्रक्चर में, क्योंकि वहां पे वाटर का फोर्स बहुत ज्यादा होता है, और रेक्टेंगुलर बॉडी में वाटर का फोर्स पूरी तरीके से पड़ता है। लाइक अगर हाइड्रोस्टैटिक्स, जो वाटर होता है उसमें हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स होता है, अगर हाइड्रोस्टैटिक्स फोर्स पूरे कॉलम को एक साथ मारेगा, तो उसमें क्या होगा, ज्यादा जल्दी से जल्दी उसमें डिफ्लेक्शन आने का चांस होगा। बट अगर ये चीज सर्कुलर है, तो इधर से अगर फोर्स आ रहा है, तो इधर से फोर्स निकलता जाएगा, फोर्स इधर से निकलता जाएगा, उससे क्या होता है, हम लोग वाटर के फोर्स को रिड्यूस कर पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वाटर स्ट्रक्चर में वाई टाइप कॉलम यूज करते हैं, जिसके अंदर वेल फाउंडेशन यूज करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट आपने देखा होगा वाई टाइप विद आर्च। अभी आपने देखा होगा हर एक सिटी में मेट्रो बन रही है, तो मेट्रो के नीचे वाई टाइप विद आर्च रखते हैं, क्योंकि इसके नीचे हम लोग रेक्टेंगुलर फाउंडेशन यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखा होगा आपने वाई टाइप कॉलम के बगल से आप रोड निकाल सकते हो, मीन्स नीचे नीचे से आप रोड भी यूज कर सकते हो, और ऊपर से कॉलम भी आपका चला जाएगा और आपका मेट्रो भी चला जाएगा। इसलिए हम लोग वहां पे क्या करते हैं, वाई टाइप विद आर्च यूज करते हैं। और आर्च टाइप कॉलम जो होता है, वो कहाँ पे यूज करते हैं, वो यूज करते हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे आर्किटेक्चर पर्पस हो, उनको आर्किटेक्चर व्यू ऐसे देना है, कुछ कर्व शेप में देना है, इन दैट प्लेस वी यूज आर्च टाइप कॉलम। इसके बाद एक और टाइप कॉलम होता है, दैट इज वी टाइप कॉलम। वी टाइप कॉलम कहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, अगर हमारा जो प्रॉपर्टी है, जहाँ पे लैंड हमारा, अगर उसमें जो हमारा शेप है, वो शेप कुछ क्लियर नहीं है, मीन्स वी टाइप शेप आ रहा है, उसका कॉर्नर जो है वो वी टाइप आ रहा है, तो वहां पे हम रेक्टेंगुलर फुटिंग, रेक्टेंगुलर कॉलम नहीं दे सकते हैं। उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, वी टाइप कॉलम देना पड़ता है, वहां पे हम लोग उसको यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट। बेस्ड ऑन रेनफोर्समेंट अगर मैं बात करूं कॉलम का, तो रेनफोर्समेंट के अकॉर्डिंग एक तो होता है टाइट कॉलम, जो आप देखते हो जिसमें रेनफोर्समेंट लगा रहता है, और उसमें कवर आप देते हो 40 mm का कवर देते हो, राइट। तो वो जो होता है वो टाइट कॉलम होता है, जो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर फॉर्म में होता है। इसके बाद एक होता है आपका सर्कुलर या स्पायरल कॉलम। स्पायरल कॉलम क्या होता है, ये स्पायरल कॉलम जो होता है ये सर्कुलर होता है, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार जो होते हैं वो 6 होते हैं, 6 मिनिमम नंबर ऑफ बार होते हैं। और इसके बाद एक होता है कंपोजिट कॉलम। कंपोजिट कॉलम क्या होता है, शायद ये आपके लिए नया हो दोस्तों। कंपोजिट कॉलम में आपका टाइट कॉलम तो होता ही है, मींस नॉर्मल एनफोर्समेंट तो पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ उसके अंदर आई सेक्शन लगा दिया जाता है, या कोई टी सेक्शन लगा दिया जाता है फॉर मोर स्ट्रेंथ। आप बोलोगे सर ये मोर स्ट्रेंथ की जरूरत कहां पे पड़ती है, तो मोर स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है सी फेसेस पे। हार्बर वगैरह जब बनाते हो, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे अगर केवल कॉलम लगाते हैं, अब सीप आके वहां पर रुकती है, सीप का इतना प्रेशर होगा कि वो उसको लेके जा सकती है। क्यों? क्योंकि केवल रेक्टेंगुलर कंक्रीट कॉलम इनफ नहीं है वहां पे उस स्ट्रेंथ के लिए। आप बोलोगे तो रेक्टेंगुलर कॉलम को हटा के टी और टी या आई सेक्शन को लगा दिया जाए, उस पे बांध दिया जाए,
तो उससे भी पॉसिबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेंथ तो है उसके अंदर, टेंसाइल स्ट्रेंथ तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि सी वाटर जो है वो बहुत ही जल्दी करोजन ले आ देगा आपके आई सेक्शन में या जो भी आप टी सेक्शन यूज करोगे। तो सेफ्टी की जरूरत होती है, तो सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंक्रीट कॉलम बनाते हैं, उसके अंदर आई सेक्शन डालते हैं, और आई सेक्शन डाल के उसको हम लोग कंपोजिट कॉलम बोलते हैं और उसको लगाते हैं। उसमें कवर ज्यादा रखा जाता है जिससे वाटर चाह के भी अंदर ना आ जाए। सो मिनिमम कवर इज 40 mm एंड मैक्सिमम इज 75 तक डालते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए मैक्सिमम कवर किसी भी स्ट्रक्चर का 75 होता है, उसमें मैक्सिमम तक जाना पड़ता है कभी कभी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं बेस्ड ऑन लोडिंग्स। अगर हम लोग लोडिंग की बात करें तो लोडिंग जो होता है ये दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज एक्सियल लोडिंग एंड सेकंड इज इसेंट्रिक लोडिंग। आप बोलोगे सर एक्सियल क्या होता है, मैं आपको एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। जैसे कि अगर मेरे पास एक मोबाइल है, अगर मैं इस मोबाइल में देखू और मोबाइल के जस्ट बीच में यहाँ पे सेंटर पे लोड एक्ट हो, मोबाइल सपोज ये कॉलम है और उसके सेंटर पे अगर लोड एक्ट हो और उसकी सीजी यहाँ पे बन रही है, दैट मीन दैट इज एक्सियल कॉलम, दैट इज एक्सियल कॉलम। अब बात करते हैं दूसरा टाइप इसेंट्रिक कॉलम। इसेंट्रिक के दो टाइप है, कौन कौन से, यूनिएक्सियल एंड बाईएक्सियल। अगर मैं बात करूं यूनिएक्सियल की, यूनिएक्सियल मींस लोड तो आ रहा है इधर से, मतलब इधर से मान लो बीम आ रही है, बट ये बीम ना सेंटर पे नहीं गया, सेंटर से पहले यहीं पर रुक गया, उसकी सीजी कहां यहीं कहीं बन रही है, मीन एग्जैक्ट नहीं बन रहा। आप यहां पर देख सकते हो ड्राइंग में आपको एग्जैक्ट सीजी नहीं मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम लोग यूनिएक्सियल, मतलब एक साइड से लोड आ रहा है। दूसरा होता है हमारा बाईएक्सियल। बाईएक्सियल में एक तरफ से लोड इधर से आएगा और एक तरफ से लोड इधर से या इधर से भी आ सकता है। अगर वो दोनों लोड सेंटर में नहीं है और दो साइड से लोड आ रहे हैं, एक्स एंड वाई बोथ डायरेक्शन से आ रहे हैं, दैट मीन दैट कॉलम इज कॉल्ड बाईएक्सियल कॉलम, दैट कॉलम इज कॉल्ड बाईएक्सियल कॉलम। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो कॉलम का होता है, दैट इज बेस्ड ऑन सिलेंडरनेस रेशियो। आप लोग ये क्या होता है, एक्चुअली इसमें हम लोग शॉर्ट कॉलम एंड लॉन्ग कॉलम को डिफाइन करते हैं दोस्तों। शॉर्ट कॉलम मींस कॉलम Lx by D, एक्चुअली इसका फॉर्मूला होता है Lx by D। Lx क्या है, Lx मींस आपका लेंथ। मान लीजिए आपके कॉलम का लेंथ कितना है, 3 meter है, D क्या है, डेप्थ है, तो 3 meter डिवाइड बाई डेप्थ आपका क्या है, 300 mm, मतलब 0.3। तो अगर हम लोग कन्वर्ट करें तो 3000/300, तो अगर इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 10। तो 10 क्या हो गया, ये 12 से कम है। अगर Lx by D is less than 12 तो ये रहेगा शॉर्ट कॉलम, इफ Lx by D is greater than 12 तो ये रहेगा लॉन्ग कॉलम। तो इस तरीके से ये कॉलम्स के हम शेप्स डिसाइड करते हैं। इसके बाद कॉलम में जो सबसे ज्यादा देखने वाली चीज होती है, समझने वाली चीज होती है, वो होती है कॉलम का कवर। कॉलम का कवर हमेशा आपको 40 mm ही लेना है, 40 mm से ज्यादा नहीं लेना है, 40 mm से कम नहीं लेना है। ज्यादा अकॉर्डिंग टू IS कोड अगर बात करें तो IS कोड बोलता है कि 10 mm का टॉलरेंस हो सकता है बट पॉजिटिव में, मतलब 45 कर सकते हो बट कभी 35 नहीं करना है। नेक्स्ट चीज जो ध्यान रखनी है वो रखनी है मिनिमम नंबर ऑफ बार इन कॉलम। रेक्टेंगुलर कॉलम की अगर बात करें तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार होगा 4, और अगर हम बात करें सर्कुलर कॉलम की तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ बार होगा 6। तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर वो ये है कि कॉलम का जो आप कॉलम का बार यूज करते हो, बार का साइज जो होता है वो 12 mm के नीचे नहीं होना चाहिए, नेवर लेस देन 12 mm। तो आपको हमेशा 12 mm के नीचे नहीं होना चाहिए, तो आपको ये भी चीज ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इसके जो चार्ज, इसको जो कॉलम होता है इसमें जो रेनफोर्समेंट होता है, रेनफोर्समेंट को बांधने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, टाइस। क्या बोलते हैं, टाइस। और टाइस अभी जो 6 mm पहले यूज होता था और अभी हम लोग 8 mm का यूज करते हैं, तो मिनिमम डाया ऑफ टाइस कितना होता है, ये 8 mm होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं इसके लैपिंग में और कुछ लोगों को पता नहीं होता है क्या लैपिंग क्या होता है। लैपिंग मीन्स अगर स्टील इसमें खत्म होता है, मान लीजिए कॉलम आप बना रहे हैं, एक स्टील कहीं एंड होता है और फिर दूसरा स्टैंड स्टील लगाते हैं, तो क्या होता है वहां पे कितनी लैपिंग देंगे, कितनी लैपिंग देंगे, तो लैपिंग होती है हमारी कितनी होती है, 45D। क्या होता है, 45D। एक स्टील खत्म हुआ, दूसरा स्टील ज्वाइन हुआ, तो वहां पे लैपिंग होगा, लैपिंग कितना होगा, 45D। और 45D मतलब डी क्या है, डाया बार। अब आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा चल रहा होगा कि सर अगर एक 16 mm का है और एक 12 mm का है तो 45D डी किसको ले, 16 को या 12 को, कंफ्यूज हो। तो इसकी बहुत छोटी सी चीज आपको याद रखना, हमेशा शॉर्टर स्पेल लेना है, मींस आपको 12 mm लेना है ना कि 16 mm। तो 45×12 ऐसा करके आप कर सकते हैं। इसमें अगर आपको निकालना है कि आपके कॉलम में स्टील कितना लगा हुआ है तो आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं, जितने mm के बार यूज हुआ है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है d² / 162.2।
इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप कॉलम में निकाल सकते हो कि कितना स्टील आपका लगा होगा, इजीली आप इसमें स्टील अपना निकाल सकते हो इस तरीके से। इतनी चीजें, और एक चीज और, अगर कोई पूछा व्हाट इज कॉलम तो कई लोग काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक थोड़ी सी डिफिनेशन बताता हूँ। कॉलम इज अ वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर, कॉलम इज अ वर्टिकल कंप्रेसिव मेंबर व्हिच ट्रांसफर द लोड फ्रॉम स्लैब बीम टू फुटिंग, फ्रॉम स्लैब बीम टू फुटिंग। तो आपको बताना है ये कॉम्प्रेसिव मेंबर होता है, ये क्या करता है, लोड को ट्रांसफर करने का काम करता है। इस सीरीज में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पूरा का पूरा कॉलम, जैसे मैंने अभी आपको बताया शेप एंड साइज, इसी तरीके से मैं बीम और स्लैब के बारे में भी डिस्कस करूंगा। ये सीरीज आपको कैसे लग रही है प्लीज नीचे कमेंट बताइएगा, अगर आप अच्छे से कमेंट और लाइक हमको देंगे तभी हम जाएंगे नेक्स्ट सीरीज के लिए, और इसमें हम लोग बीम और स्लैब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों साथ ही साथ कई लोग बोल लेते सर आई वॉन्ट टू लर्न इन इंग्लिश बिकॉज आई डोंट नो हिंदी, सो आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट माई इंग्लिश चैनल ऑल्सो, सो एज सुन एज पॉसिबल आई लॉन्च माई इंग्लिश चैनल, सो यू इफ यू वॉन्ट यू डिडेंट अंडरस्टैंड द हिंदी वेल यू कैन ज्वाइन माई इंग्लिश चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइस, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।